बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, अभी तक आपके पंचायत में क्या क्या हो रहा है? अभी कोरोना वायरस को लेकर अभी तक हमारे पंचायत में मुखिया द्वारा बताया गया सैनिटाइजर, अति साबुन, डिटॉल साबुन भी बताया गया था, एक बार लाइव हुआ है। उसके बाद मास्क बताया गया जी, एक व्यक्ति को 4 मास्क एक घर में, यानी जो एक चूल्हा जलता है, एक साबुन मेरे मुखिया की तरफ से मुझे बांटने के लिए मिला। एक साबुन, मात्र एक साबुन एक सदस्य को, जिसका अलग अलग चूल्हा जलता हो। जैसे बात करें विकास के मुद्दे को लेकर, तो लगभग आपके पंचायत में आपके वार्ड में कितना काम हो चुका है? लगभग मेरे वार्ड में नाली गली 3 नाली गली हुआ है, 1 PCC हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति ये है कि नल जल हम काम कराए थे जी, मेरे एजेंसी को हमने दिया था, जिस एजेंसी को, वो एजेंसी काम कराई थी, एजेंसी काम कराई थी, बदल में जो ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है NH-30 से जो सटा हुआ है, जो मेरा आरा चांदी है मुख्य मार्ग है, उसके चौड़ीकरण में जो नाली का कार्य हो रहा है दोनों साइड, उस वजह से मेरा दोनों साइड का पाइप कवर चुका, इसीलिए पानी अभी तक नहीं चला। तो फिर आपने इसकी भरपाई कैसे की? अभी फिर अपने लगाए अपने थ्रू, खुद के फंड से फिर से जी? नहीं, खुद अपने से लगाए हैं। अभी तक इसके लिए कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, इसलिए अभी तक बोरिंग मेरा बंद है। आपके वार्ड में कितने शौचालय हैं? मेरे वार्ड में लगभग 100 शौचालय अभी तक, यानी सरकारी अथी से हो चुका। सबको भुगतान हो चुका है? भुगतान हो चुका है, अभी कुछ बाकी है जो प्रक्रिया के हिसाब से। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड बहुत लड़के को नहीं है, जो नए नए युवक हैं उसका साफा राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड में ये महादलित SC ST का अथी है, हरिजन बस्ती है, इसमें राशन कार्ड की बहुत समस्या है। इतना लड़का है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का इंदिरा आवास भी अभी तक कितना लोग को नहीं मिला है। समस्या है, समस्या ये है कि जो नाला बन रहा है वो खुदाई करके आधे रास्ते में छोड़ा गया है। जो छोटन लाल का घर है, वहाँ छोटन लाल नट और सुदामा नट, दोनों घर के बीच खुदाई करके छोड़ा हुआ है, गड्ढा है, वो इसी के कारण मेरा भी पाइप भी बाधित हुआ है, ताकि बिछाना। आकस्मिक दुर्घटना में सब दुर्घटना एनी टाइम होता है। मान लीजिए कि घर है, लड़का निकलेगा तो दिक्कत है, उसमें भी गड्ढा है तो ले लीजिएगा सर, उसका क्लियर हो जाता तो ये लोग अपना काम करते हैं। सरकार से क्या काम सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि उस रोड को, नाली को जल्दी से क्लियर कराए, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रतनदीप कुमार है, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत नरवीरपुर।